दर्शकों अब एक खास समाचार। अमरदीप नगर स्थित श्री राधा कृष्ण शंख मंदिर पर पिछले दिनों भव्य भागवत कथा संपन्न हुई। इस भागवत कथा के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की एक तस्वीर हमें भी देखने को मिली। अमरदीप नगर के संस्थापक समाज सेवी एडवोकेट प्यारे मियां ने वहां उपस्थित रहकर अपितु न केवल भागवत कथा सुनी बल्कि गौशाला के लिए 3 ट्रक चारा देने की घोषणा भी करी। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि अमरदीप में रहने वाले लोगों की एकता जैसी एकता पूरे देश में कायम हो जाए तो इस देश की अखंडता को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना, हम आपको ऐसा नहीं कहते। आप हमें ले जाइए। श्री गोवर्धन नाथ की जय। साथ ही अमरदीप नगर 2 के डेवलपर्स जिन्होंने प्यारे मियाँ जी के साथ कंधे से बगर एवं अभिनंदन द्वारिकाधीश की। मैं व्यासपीठ से आज्ञा चाहूंगा हमारे बीच में पधारे हुए अतिथि सम्माननीय हिंदुस्तान के प्रसिद्ध वक्ता सम्माननीय माननीय श्री पूजनीय शैलेश भाई अहमदाबाद और मंच पर बैठे हुए उनकी मंडली के सभी साथियों और महेंद्र भाई और मेरे सलाहकार या दोस्त श्री अनिल जी मेठानी, नवनीत लाल जी, ओझा जी, वकील साहब जी और ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, मेरे साथियों और मेरे भाइयों, महेंद्र भाई देवरा संघ मंदिर के निर्माता और देवरा परिवार की सभी मेरी बहनों और भाइयों और इस मंदिर के ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी साथियों और मेरे भाइयों और जिन्होंने इस कथा के लिए सहयोग दिया है वो सभी आदरणीय मेरे भाई और बहनों और अमरदीप नगर में रहने वाले सभी मेरे भाई बहनों और मेरी माताओं और दूर दराज से पधारे हुए मेरे सभी भाई बहनों, आज मुझे इस कथा में, वैसे तो मैं 7 दिन से महाराज साहब की कथा सुन रहा हूँ। सुरदूरी उन्होंने ये कहा था कि एक लड़का है और महाराज कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि लड्डू लेके और इतने दिन तक मतलब कृष्ण भगवान हो ही जाओ, फिर उससे कहा कि नहीं हो तो फिर राम के वाला। इस तरीके की मैंने 7 दिन तक इनकी कथा सुनी है और मेरा तो ये मानना है कि मुझे कई जगह काम पड़ा कथा सुनने का, लेकिन इनके जो प्रवचन थे, समझाने के तरीके थे, तौर तरीके, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ और उनको मैं अपनी ओर से पूरी मंडली को और उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं महेंद्र भाई जो इस संघ मंदिर के निर्माता हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से संघ मंदिर का निर्माण कराया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंदिर तो
बिल्ला टाटा डालमिया सभी लोग पैसे वाले लोग मंदिर बनाते हैं, लेकिन एक मजदूर मेहनत का आदमी जो बांसवाड़ा से अपने बच्चों को अपने परिवार को उनसे दूर रहकर खून पसीना बहाकर मेहनत करके मजदूरी करके विदेश से पैसा कमाकर मंदिर का निर्माण करे, वो उससे अच्छा भगवान का कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं हो, उनकी नज़र में अच्छा नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नवनीत लाल जी, अनिल भाई मेठानी, महेंद्र भाई, जब निर्माण का कार्य चालू था तब हम दिल पर इनके पास बैठे रहते थे। मंदिर समान बनाते समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत से ठेकेदार इनके पैसे ले लेके भाग गए, लेकिन इन्होंने ना तो अनिल भाई मेठानी या मेरे से या किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मांगी। मैं उनको इस हिम्मत के लिए मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और अमरदीप ग्रुप की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ट्रस्ट के लोग और जिन्होंने इस कार्यक्रम में मदद की है, उन लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमरदीप नगर में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अमरदीप नगर में फुलक सागर महाराज साहब, जो हिंदुस्तान के मशहूर महाराज हैं, जैन मुनि हैं, उनकी दादी माँ की समाधि है और उन्होंने भी यहाँ बहुत बड़े कार्यक्रम में अमरदीप पे कहा था कि अमरदीप पे रहने वालों, मेरी दादी माँ की समाधि है, यहाँ जितने भी लोग रहेंगे वो सब हमेशा खुशहाल रहेंगे। अनिल भाई मेठानी थे, डेढ़ साल हुआ जब सुधार सागर महाराज साहब ने भी कहा, आशीर्वाद दिया, उन्होंने भी ये कहा कि अमरदीप में रहने वाले लोग सभी सुखी रहेंगे। पुलक सागर महाराज साहब भी इधर से गुजर चुके हैं, उन्होंने भी उन संतों ने ऐसे संतों ने आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार ये अमरदीप नगर में रहने वालों में जितनी एकता है शायद हिंदुस्तान में किसी भी कॉलोनी में ऐसी एकता नहीं होगी। उसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले वर्ष बांसवाड़ा में आग लगी थी, सांप्रदायिक झगड़े थे, तनाव था, तोड़फोड़ हो रही थी, पूरे शहर में कर्फ्यू लग रहा था, सड़क पे एक बच्चा भी नजर नहीं आता था, लेकिन कृष्ण भगवान और भगवान की इच्छा से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सातों दिन भागवत कथा होती रही और इससे भी अधिक लोग यहाँ पर उन्होंने कथा का लाभ लिया। ये अपने आप में एक शांति की और एकता की इससे ज़्यादा मिसाल क्या हो सकती है। भाइयों, आज पूरा देश आतंकवाद, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया आतंकवाद छाया हुआ है। यदि हम हिंदू मुसलमान सभी समाज के लोग अगर एक हो जाए तो आतंकवाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। देश के अंदर कुछ राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान को जाति में बांटकर टुकड़े कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, शहरों को जला रहे हैं, ये
ठीक बात नहीं है। अगर अमरजीत जैसी एकता पूरे हिंदुस्तान में होगी उस दिन देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों, मैंने पिछले साल ये कहा था और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज लोग देश को तोड़ रहे हैं, जाति को तोड़ रहे हैं, लेकिन जो कैंची होती है वो एक टुकड़े को दो टुकड़े करने का काम करती है और सुई होती है उन दो टुकड़ों को जोड़ने का काम करती है। सुई हमेशा दर्जी की टोपी में रहती है और कैंची हमेशा दर्जी की पैरों में पड़ी रहती है। दोस्तों, मैं जब छोटा था जब मैंने कहानी पढ़ी थी, एक विशाल जंगल था, उसमें भयंकर आग लगी, उस जंगल के पशु पक्षी शेर चीते हाथी बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर भागने लगे। उस जंगल में एक झाड़ पे घोंसले में चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया नीचे नदी में से पानी अपनी चोंच में लाती और आग को बुझाया करती थी, फिर चोंच से पानी लाती और आग को बुझाती, फिर चोंच से पानी लाती और आग पे डालती। वो झाड़ पे एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर ने कहा चिड़िया से, चिड़िया इस जंगल में भयानक आग लगी है और इस जंगल के शेर चीते हाथी सब लोग भाग गए हैं और तू अपनी चोंच से पानी लाकर क्या इस जंगल की आग को बुझा देगी? लेकिन चिड़िया ने कहा बंदर से, मेरे भाई, मैं इस चीज को अच्छी तरह जानती हूं कि मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उसमें मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में रहेगा। दोस्तों, हमेशा तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, जोड़ने का काम करना चाहिए, आग लगाने का काम नहीं करना चाहिए, आग बुझाने का काम करना चाहिए। आज आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर एक छोटी बात पर हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम एक संस्कृत का शब्द है, उसमें कुछ लोग, अनपढ़ लोग, अंगूठा छाप लोग आपस में झगड़ रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। मैं बताना चाहता हूँ, वंदे मातरम का मतलब यह होता है, ए माँ, तुझे मैं सलाम करता हूँ। अब इसमें झगड़े की क्या बात है? इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ मेरे साथ, और मैं भी कहता हूँ वंदे मातरम, मेरे साथ आप सभी लोगों को तीन बार कहना पड़ेगा वंदे मातरम, जोर जोर से कहना पड़ेगा वंदे मातरम। वंदे मातरम, जोर से, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब समापन का टाइम है, सबको घर जाना है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और मैं हमारे महाराज साहब से कि सातों दिन मैंने कथा सुनी, मुझे बेहद पसंद आई, उसके लिए मैं उनको, उनकी मंडली को मेरी तरफ से फिर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस प्रोग्राम के लिए 21,000 अमरदीप ग्रुप की ओर से देना चाहता हूँ और तीन तिरक चला, दो टैग चारा को, एक टैग चारा को वकील साहब की गौशाला को, पंकज जी की
वो एक बांसवाड़ा की गौशाला को, वो एक तलवाड़ा की गौशाला को तीन ट्रक चारा देने की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।